नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने की तैयारी की है, इसको लेकर केंद्रीय टीम भी संतुष्ट नजर आई। बता दें कि कल हुई बैठक में केंद्रीय टीम ने ये साफ कर दिया कि सीएम नीतीश कुमार ने जितने भी कदम उठाए हैं और जो कुछ भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है, इससे बिहार में कोरोना के खतरे से निपटने की जो तैयारी है वो सरकार ने पहले ही कर ली। और यही वजह है कि केंद्र से आई हुई टीम ने संतुष्टि जारी करते हुए ये भी कहा है कि जरूरत है सभी को सतर्क रहने की। बता दें कि अपने साथ प्रेजेंटेशन भी केंद्रीय टीम ने लाया था, जिसके तहत सभी को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार की तैयारियों को देखकर केंद्रीय टीम काफी खुश नजर आया और साथ ही साथ केंद्रीय टीम ने ये भी कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार की इस तैयारी की सराहना करते हैं कि उन्होंने पहले से ही कोरोना से निपटने के तमाम जो तैयारी है और जो कदम है वो पहले से ही उनकी तरफ से उठाए गए हैं। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते खतरों के बीच बिहार दौरे पर आई 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने बिहार में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर संतोष जताया है। टीम अपने साथ एक प्रेजेंटेशन लेकर आई थी, जिसके जरिए स्वास्थ्य के वरीय अधिकारियों को यह बताया गया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव कैसे रोका जा सकता है। टीम ने आग्रह किया कि प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या और बढ़ाई जाए। अब टीम के सदस्य रैंडम कुछ जिलों का दौरा करेंगे, जहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के साथ अस्पतालों में अन्य व्यवस्थाओं का आकलन किया जाएगा। बता दें कि टीम के सदस्य स्वयं अस्पतालों में जाएंगे और कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने बिहार सहित 10 राज्यों में अपनी केंद्रीय टीम भेजी है। बिहार में आई टीम का नेतृत्व डॉक्टर आरती बहल कर रही है। इसके साथ ही कई और अन्य डॉक्टर भी इस टीम में शामिल किए गए हैं। तो जिस तरह की तैयारी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई है, इसको लेकर केंद्रीय टीम काफी खुश नजर आई। और यही वजह है कि अब अलग अलग जिलों पर रैंडम जो दौरे हैं वो केंद्रीय टीम की तरफ से किए जाएंगे और साथ ही साथ अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की कितनी उपलब्धता अस्पताल में मौजूद है, इन तमाम बातों का जो निरीक्षण है वो केंद्रीय टीम की तरफ से किया जाएगा। खासकर इस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट भी केंद्रीय टीम की तरफ से जारी किया गया और यही वजह है कि लोगों से मास्क लगाने की जो अपील है वो की जा रही है। तो लगातार जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन के मामले में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर पहले से ही जो सतर्कता है वो बिहार सरकार ने अपनाई है और यही वजह है कि कदम भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय टीम ने भी अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए कई जिलों के दौरे पर निकलने की बात कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।